आपने अभी मैं दिखाता हूँ मयंक मेहता, बढ़िया स्विमिंग करता है, फरीदाबाद से है और पिछली बार उसका नेशनल का हो गया था, वो सिलेक्ट हो गया था, मतलब कि 43 टाइम दिया था उसने ब्रेस्ट में, ब्रेस्ट स्ट्रोक उसका बहुत बढ़िया है। तो अभी मयंक मेहता करने वाला है, उसकी वीडियो दिखाऊंगा। स्पेशल उसका पार्ट मैंने अलग से बनाया है, क्यों? क्योंकि उसका ब्रेस्ट वाकई बहुत अच्छा है, उसकी टेक्निक मतलब कि सही है, मतलब कि बढ़िया जोर लगाता है, मतलब उसकी डाइट भी पूरी है। मैं अभी डाइट से बात कर रहा था कि डाइट तो पूरी ले रहा है, डाइट पूरी ले रहा हूँ, करने के बाद सारा ओके कर रहा हूँ। तो चलो अब मयंक मेहता की आई एम दिखाते हैं। 200 करनी है जिसमें 50 सारे रहते हैं स्ट्रोक, बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक और ब्रेस्ट फिर फ्री, ठीक है? तो चलो आई एम दिखाते हैं। मयंक मेहता है, इसकी स्विमिंग मुझे बढ़िया लगती है, बढ़िया करता है, इसका ब्रेस्ट स्ट्रोक रहता है बढ़िया और बढ़िया है। ये चिंटू के ग्रुप में आता है, ग्रुप फोर में ये अब आई एम करने के लिए बैठा हुआ है, मेन इसका ब्रेस्ट है। तो अभी आई एम चल रही है, अभी इसकी होएगी, मैं इसका ब्लॉग आपको पूरा दिखाऊंगा। तो बस इसके ब्लॉग के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है? मयंक मेहता फरीदाबाद से ना, फरीदाबाद से। और तेरे साथ वाला कहाँ है जो पिछली तेरे साथ था गंजा सा? हैं, ग्रुप थ्री में चला गया। तो वो ग्रुप थ्री में चला गया। तो फ्रेंड्स अभी हम मयंक मेहता का मतलब कि आई एम कर रहा है, मयंक मेहता का टाइम, मतलब कि ब्रेस्ट स्ट्रोक उसका बहुत अच्छा है, इसकी एक वीडियो भी है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। ब्रेस्ट स्ट्रोक में अभी मयंक मेहता आएगा तो हम आपको इसकी रेस दिखाएंगे। तो फिलहाल आप अभी तैयार हो जाओ, आई एम होगी इसकी तो बढ़िया दिखाएंगे। फ्रेंड्स ये है मयंक मेहता की फ्री स्टाइल, उसके बाद आई एम दिखाऊंगा, उसमें टॉक किया है। तो मैं कुछ डिटेल दे देना चाहता हूँ कि जब आप स्विमिंग करते हो या स्विमिंग प्रैक्टिस करते हो, डाइट पूरी रखते हो, तो आपकी हाइट ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट रहता है डाइट, उसके बाद टेक्निक रहती है। मयंक मेहता का जो मेन स्ट्रोक है वो ब्रेस्ट स्ट्रोक है, ठीक है? नेचर वाइज काफ़ी बढ़िया, मैंने आगे भी काफ़ी मतलब की है। तो इसकी जो मिस्टेक है वो आप हम लास्ट में दिखाएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखें, आई होप कि आपको इसमें कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स? तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, अगर वीडियो में कोई कमी रह जाए मुझे माफ़ कर देना और इसी तरह मेरी वीडियो को प्यार देते रहना, लाइक करते रहना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये है मयंक मेहता जो खड़ा हुआ लड़का, ठीक है? इसकी एज है 10 साल, ठीक है? ग्रुप फोर में, चिंटू के ग्रुप में आता है ये, ठीक है? अभी लेन टू में है। ये लड़का बढ़िया है, मतलब कि इसका नेचर भी बढ़िया है, सही सबको मतलब कि सही बुलाता है, कई होते हैं ना एटीट्यूड आ गया कि हाँ भी मैं हमेशा जीतता हूँ और मेरे में एटीट्यूड आ जाएगा, पर नहीं, ये मयंक मेहता मतलब कि वाकई बढ़िया करता है। तो इसकी रेस आपको दिखाऊँगा। तो चलो अब इसकी स्पेशल रेस है ये, मतलब कि स्पेशल, ठीक है? इसकी डाइव देख लेना और बटरफ्लाई मतलब कि बैक में ठीक ठीक है, बाकी इसका मेन है ब्रेस्ट, क्या कर सकते हो? तो अभी ये बटरफ्लाई में इतना खास नहीं, पर इसका मेन शो क्या है, ब्रेस्ट में ये सबको लीड दे देगा। पर जो क्या होता है कि जो इसके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी अच्छा जोर लगाते हैं, ठीक है? इनके ये मयंक मेहता के, मैं आपको फादर दिखा देता हूँ, ये मयंक मेहता के फादर है, इनका नेचर भी काफ़ी बढ़िया है, मतलब कि मैंने इनसे बात की हुई है, ये काफ़ी बढ़िया है, मतलब कि ये नहीं है, कई होते हैं ना कि अपने बच्चे का टाइम कभी सही नहीं बताते कि ये चीज़ का, वो चीज़ नहीं है। तो बटरफ्लाई चेक कर सकते हो, इसका ब्रेस्ट स्ट्रोक दिखाऊंगा मैं आपको, ब्रेस्ट में कितनी लीड लेता है ये, सही है। और ये 12 महीने प्रैक्टिस करते हैं, मैं सारी डिटेल बात कर रहा था इनसे, और ये 12 महीने प्रैक्टिस करते हैं, 6 महीने और 12 महीने में बड़ा फर्क पड़ता है। अगर 12 महीने बच्चा प्रैक्टिस करता है तो इतना तो एफर्ट करता है, ये जो पूरे साल प्रैक्टिस करता है तो उसको नेशनल जाना स्वाभाविक रहता है कि जाना चाहिए अगर ढंग से प्रैक्टिस करता है। तो अभी आप चेक कर सकते हो, मैं तो जा रहा है बैक में, बैक इसकी ठीक ठीक है, उनकी बैक कर लेता है, बैक में इतना एफर्ट नहीं मार पाता, वो किक रहेगी उसकी, मैं इतना तक किक रहेगी जिसके कारण उसको टैम मतलब कि उसने जो समरसॉल्ट उसने पहले मार दी, पर कोई बात नहीं, वो ब्रेस्ट में कवर कर लेगा, ब्रेस्ट इसकी अच्छी है, ये 43-42 के आसपास दे देता है टाइम ब्रेस्ट का, आप चेक कर सकते हो। अब ब्रेस्ट में जाएगा, इसकी ब्रेस्ट ठीक है, अभी खींच रहा है, लीड देख लेना आप कैसे पाते हैं। अभी क्या होता है कि अभी इसका जैसे समर शॉट रह गया ना तो उसमें थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है बच्चा, मुझे दिक्कत आई जाती है, पर अब लीड देखो आप कितनी ले ली, उसने ब्रेस्ट में कितनी लीड ले ली है वो चेक करो, इसका ब्रेस्ट स्ट्रोक मेन है, ठीक है? तो ब्रेस्ट में ये अच्छी खासी लीड ले लेता है, ब्रेस्ट में देख सकते हो कि इसने सबको मतलब कि पीछे छोड़ दिया, हाफ राउंड तक इसने लीड ले ली है, देखो वाकई अभी तक पहुंचे नहीं है तो इसने लीड ले ली है, ये इसका ब्रेस्ट मेन है। तो क्या कर सकते हो कि अगर एक स्ट्रोक में मेन है, अगर आई एम करते तो
कितना फ़र्क पड़ गया आपका। तो ये हुई इसकी ब्रेस्ट फिनिश, आप करनी है फ्री, फ्री में भी ठीक है। पैरों पे फुटवर्किंग चेक कर लो, आपको चेक करा देता हूँ पैरों की, कि पैर की स्पीड जितनी ज़्यादा होएगी उतना ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। अब लीड कर से चेक कर सकते हो कि अब इसने सबको एक हाफ राउंड से ज़्यादा लीड दे सकती है, ऐसे में कितनी इसने लीड दे रखी है, ठीक है फ्रेंड्स। और नेशनल में इसने टाइम बताया 39 टाइम दिया है, जो नेशनल का गोल्ड मेडलिस्ट लेके गया है, गोल्ड लेके गया है उसने 39 टाइम दिया है। तो जो सेकंड आया है उसने 40 पॉइंट समथिंग कुछ दिया है, और 41 के आसपास ब्रॉन्ज मेडल वाला आया। तो आप साफ लग सकते हो कि नेशनल में कितना रहता है। अभी ये इसने कितने में ख़त्म कर दिया, मैंने ये मतलब कि जब स्टार्ट हुई थी मैंने 2-3 मिनट पहले चला दी थी, पर इसने 3 मिनट कर दिया। 3 मिनट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब कि क्या कहते हैं इतनी रेस ख़त्म करने में, ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड में आया ब्लॉक फर्स्ट, फर्स्ट में आया ब्लॉक टू, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये होगी फिनिश, तो अब वीडियो का एंड करते हैं। तो वहाँ पे मिस हो गया इसका, वो बात गलत है। तो अब नेक्स्ट से पूछते हैं कि भाई वहाँ से तूने मिस कैसे कर दिया, मिस हो गया कैसे, हो गया क्या हुआ वगैरह वगैरह। तो चलो फ्रेंड्स, अभी मैं कहता हूँ कि सारी रेस हो गई है, उसकी बीच में मिस हो गई, मतलब कि बैक में समर शॉट उसने पहले मार दी, तो इससे डिस्क्वालीफाई किया या नहीं किया। वैसे अगर आप फिनिश नहीं करते हो तो उसका टच नहीं हुआ, वहाँ पे टच नहीं हुआ, अगर टच नहीं हुआ तो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो अभी पता नहीं अब वहाँ पे क्लियर टच हुआ या नहीं हुआ, अब ये कोच के ऊपर डिपेंड रहता है। और चलो अब उससे पूछते हैं कि मतलब मिस कैसे। तो फ्रेंड्स, मयंक मेहता आ गया रेस करके, और इससे एक मिस्टेक होगी कि इसने समरसॉल्ट मारी, थोड़ी सी पहले मार दी। मयंक मेहता पहले क्यों मारी तूने समरसॉल्ट? मैंने वहाँ पे समरसॉल्ट तो करेक्ट टाइम पे मारी थी, बट वो थोड़ा सा जल्दी हो गया, पर मैंने बाद में उसे ठीक कर लिया। मतलब इसका पैर लग गया था बाद में, मतलब अगर ना लगे तो डिस्क्वालीफाई होता है। पर इसने किक कर दी, पर ब्रेस्ट स्ट्रोक भी दिखाऊंगा मैं इसका, टेंशन लेनी आपने। बाकी लड़का नाइस है। और प्रैक्टिस कितने टाइम करते हैं तू? मैं प्रैक्टिस दो टाइम करता हूँ। हैं? दो टाइम और 12 महीने, मतलब कि पूरे साल करते हैं। तो ये पूरे साल प्रैक्टिस करते हैं, पूरी डाइट लेते हैं, और एज इसकी 10 साल की है, ठीक है। चिंटू और इसका ग्रुप सेम ही है, और डिपेंड रहता है कि अगर आप गेम कर रहे हो डाइट पूरी लेनी चाहिए। और बाकी इसकी स्पेशल मैंने रेस अलग से दिखाई, और ब्रेस्ट स्ट्रोक इसका जरूर दिखाऊंगा। तो बाय फ्रेंड्स, बहुत जल्दी मिलेंगे बैंक मेहता की अगली रेस में। तो बाय का तो मैं क्या था। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो है मेरे चैनल है स्विमिंग बाय मनी, जिसके ऊपर आप वीडियो देख रहे हैं, टेक्निकल लवली मनी, जिसके ऊपर मैं मोबाइल की अनबॉक्सिंग करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोनों चैनलों को। थैंक यू वॉच द वीडियो।